साथ ही बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। विधायक पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता के पिता की सोमवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर पीड़िता सहित परिवार ने आत्मदाह करने की कोशिश की थी और आज सुबह पीड़िता के पिता की संदिग्ध हालत में मौत से प्रशासन में हड़कंप मचा है। इस पूरे मामले पर गृह विभाग ने जेल प्रशासन और जिला प्रशासन से पूरी रिपोर्ट तलब कर ली है। वहीं पीड़िता के पिता की संदिग्ध मौत पर जिला अस्पताल के डॉक्टर अतुल ने बताया कि मृतक को रविवार रात में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था। उसे पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत थी। इलाज के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर पर उन्नाव जिला जेल में हत्या कराने का आरोप लगाया है। इससे पहले 3 अप्रैल को परिजनों ने बीजेपी विधायक कुलदीप के भाई और उसके गुर्गे पर मारपीट का आरोप लगाया था। परिजनों के मुताबिक विधायक के भाई और उसके गुर्गे न्यायालय में लंबित मुकदमे को वापस लेने से इनकार करने पर किशोरी के पिता को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। मामले में माखी पुलिस ने पीड़ित पिता के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था और किशोरी की मां की तरफ से दी गई तहरीर में विधायक के भाई का नाम पुलिस ने दर्ज नहीं किया था। क्या मामला हुआ आपके साथ, क्या घटना? 4/6/2017 विधायक कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ गलत काम किया। जब विधायक कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, सती जी हमको उनके घर लेके गई। जब हमारे साथ गलत काम कर रहे हैं, हमने इसका विरोध किया तो हमको धमकी देने लगेगी और किसी को बताओगे तो पूरे परिवार वालों को मरवा के फिखवा दूंगा। हमारे चाचा कोई अपराध नहीं करते हो तो 20 साल से पुलिस से शिकायत करने गए। हम पुलिस से शिकायत करने गए, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। हमारे जगह मुख्यमंत्री के पास भी आए, हर जगह सब कुछ एप्लीकेशन दिया, इसकी रजिस्ट्री हमने सारी दिल्ली से की, हमारी कोई सुनवाई नहीं। किस थाने पे आप गए थे, किस थाने का मामला है? माखी थाना अगर भाई ये मामला है। माखी थाना है कहाँ पे, किस जिले का मामला? उन्नाव जिले का है। अब आप यहाँ पे आज आपने क्या किया? हम नहीं वापिस यहाँ से जाएंगे, मतलब मर के जाएंगे। हमको इंसाफ में हमारे साथ बहुत अत्याचार, हमारे चाचा कोई अपराध नहीं करते। यहाँ से दिल्ली में पुलिस भेजते हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको व्यापार करते हैं। 20 साल उनका घर है, फैक्ट्रियाँ है, घर है, द्वार है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उनको झूठा अपराध लगा के उनको मुकदमा करते हैं। कहते तुम भी आओ, तुमको भी देख लूंगा, गांव में मरवा दूंगा, हमारे पापा को पाओ। कौन कहता है, कौन कहता है? कुलदीप सेंगर और उसके भाई अतुल सिंह कहते हैं। कुलदीप सेंगर क्या है? विधायक है बागर मऊ के इस समय, जिसके विरोध में परिजन मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करने पहुँचे थे। इस पूरे मामले पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा था और कहा था, क्या यही है एनकाउंटर वाली सरकार का खौफ? आज अपराधियों की जगह नारी आतंकित हो रही है। फिलहाल रेप पीड़िता के पिता की मौत की वजह का पता नहीं चल सका है। जिला जेल प्रशासन भी मौत पर चुप्पी साधे बैठा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा। वहीं इस पूरे मामले में दुष्कर्म के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।